बच्चे पहुंचे चांद नगरी और वहां उन्हें मिली चांद नगरी की मलिका चांदनी। ये कितनी सुंदर है। हाँ बॉस। बच्चों, हम हैं रूप और रोशनी की मलिका रानी चंद्रिका। आपको इतनी दूर आने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे मम्मी पापा खो गए और उन्हें बचाने के लिए हमें भविष्य दर्पण की जरूरत है। आइए हमारे साथ। एकदम परियों की कहानी जैसा लग रहा है बॉस। जिसने बच्चों को पिलाई बेहोश होने की एक पेय पदार्थ, जिसे अभी ने फेंक दिया मगर विशु और माया हुए बेहोश, और चांदनी ने बच्चों को किया ड्रैगन के हवाले। ड्रैगन, आपकी भूख को शांत करने के लिए इस टोकरी में 3 बच्चे हैं। अब आगे। चांदनी ने तो बोला था कि नहीं होश आ जाएगा, तो इन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया? विशु, विशु उठ जा। विशु मैं उठो। ओए, ये हम टोकरी में कहां से आ गए? ओए, ये कौन है? अभी ये सब क्या चल रहा है? बॉस, ये सब क्या हो रहा है? हम तो चांद नगरी भविष्य दर्पण लेने गए थे ना। हाँ वही, ताकि हम तेरी मम्मी पापा को ढूंढ सके, और हम यहाँ उड़ती टोकरी में कहाँ से आ गए? कुछ बता, हम जा कर रहे हो? कुछ धीमे, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताता हूँ। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो हम झरने से डूब के मर जाएंगे। हिम्मत मत हारो, दादी कहती है डर जाना जीत के पहले मतलब हार मान लेना होता है। ओए, ये ड्रैगन तो फिर से हमें पकड़ने आ रहे। ओए, अभी कुछ कर। Yeah.
हैप्पी, वेरी अनहैप्पी। कहाँ है किरण? ढूंढ ढूंढ कर मेरा वजन आधा हो गया, पर ये किरण है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं अपनी जादुई शक्ति से सारी जगह को छान मारूंगा। एक आवाज मत निकालना, बस किरण को पकड़ने के लिए तैयार रहना। देखना शकुल, अब मिल जाएगी। देख शकुल, देख, वो धरती चमक रही है, वहीं पर मिलेगी किरण। जा किरण, आखिर तुम मिली गई किरण। आ रहा हूं मैं किरण, तुम्हें सबसे पहले देखने का हक मेरा है। हमें माफ कर देना बच्चों, माफ कर देना, हम मजबूर थे, बहुत मजबूर। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। चंद्रनगर के वासियों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसीलिए हमें मजबूर होकर उस खूंखार ड्रैगन को तुम्हारी भेंट चढ़ाना पड़ा। हमें माफ कर देना बच्चों, हमें माफ कर देना। मजबूरी नहीं, स्वार्थ बुरी है। अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे का उपयोग करना पाप होता है, चाहे वो स्वार्थ अपने नगरवासियों की सेवा के लिए ही क्यों ना। फिर ये तो मासूम बच्चे हैं जिन्हें आपने मौत के मुंह में ढकेल दिया। आपने सोच लिया कि बच्चों को ड्रैगन के पास भेजकर आप ड्रैगन से छुटकारा पा लेंगे? नहीं, वो फिर वापस आएगा, चाहे उसे एक बच्चे मिले या ना मिले, क्योंकि वो जानता है कि चांद नगर के निवासी उससे डरते हैं, उसे भय करते हैं, उसकी शर्तों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश। वो देखो देखो, बच्चे बच गए। हम सही थे सैनिकों, हम बिल्कुल सही थे। पहली नजर में ही हमने देख लिया था कि ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं है, ये बच्चे तो बहुत खास हैं। कब देखना, ये बहादुर बच्चे हमें इस खूंखार ड्रैगन से अवश्य बचाएंगे, अवश्य। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं, ठीक तो है ना विशु? माया, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना? बच गए हो। अब इससे कैसे बचेंगे? ओह माय गॉड, इतने सारे ड्रैगन ये कहां से आ गए? अभी माया, अगर इनको एक भी मौका मिला ना, फिर हमें ऐसे चटकर दे जाएंगे कि हमारे नामो निशान भी नहीं मिलेगा। कुछ सोच अभी। चुप रहो गाइस, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इनसे बचे कैसे। ओए, हट जा, मैं तुझे बता रहा हूँ, हट जा, मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अभी वो देख, बड़ा वाला ड्रैगन फिर से हमारे पीछे आ गया। बस कुछ सोच, इनमें से जो जीतेगा उन्हें इनाम में हमें खाने का मौका मिलेगा। एक आइडिया, पर पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं। तेरे पे चुप मिलेगा।
जल्दी बता, जो टाइगर ने जल्दी कर लिया। हाँ ठीक है, मैं एक शक्ति का आह्वान करूंगा, तुम लोग तैयार रहना दोस्तों। ऐसा हो जाए कि ये ड्रैगन आपस में ही एक दूसरे को मार दे और फिर हमारे चंद्रनगर के वासियों पर इस खूंखार ड्रैगन का खतरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अपनी किरण को देखने के लिए मेरा दिल उछाल मार रहा है, उछाल मार रहा है। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। रोशनी तो है लेकिन किरण नहीं है। गुरुकल, यहाँ रोशनी तो है लेकिन किरण नहीं दिख रही है। शकुन, इधर। कार की नजर से कोई छुप नहीं सकता, ये शायद बच ना पाए पर ये मुझे जादुई लोग तक जरूर पहुंचाएगी। जरा संभाल के धीरे से पकड़ना, मेरी आऊ बहुत नाजुक है, अगर जोर से दब गया मेरी आऊ का आऊ हो गया तो मेरा क्या होगा। उड़ गए। उड़ गई। गुरुकाल मेरी आने पे मुंबासा। गाइस, नक्शे के मुताबिक अभी हम यहाँ पर हैं और चांदनगरी महल यहाँ, तो हमें चांदनगरी महल वापस जाना होगा और उसके लिए हमें पूर्व उत्तर दिशा में जाना है। ओए, पहले तो उस चांदनी ने हमें बेहोश किया, बाद में पार्सल करके ड्रैगन को खाने भेज दिया, अब तू वापस से वहां जाना चाहता है। ओए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, अगर उसने हमें फिर से फंसा दिया तो। डफर, हम बिना काम के बाहर थोड़ी जा रहे, हमें भविष्य दर्पण भी तो चाहिए जिससे हम अभी के मम्मी पापा को ढूंढ सकते हैं, समझा? गाइस, हमें जरा सा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमारा पीछा भी ड्रैगन से नहीं छूटे, वो इधर ही आसपास होंगे। अभी भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए, तुम लोगों को गुफा देख रहे हो,
वही हमारे बचने का एक तरीका है। जैसे मैं तीन बोलूं, हम सब एक साथ भागेंगे, ठीक है? अरे गाइस, भागने के लिए तैयार हो जाओ। 1, 2, 3, भागो! भाग, जल्दी भाग! अभी वो देख, अभी बच। अभी वो देख, गाइस बचो। ओए जहां नजर घुमा वहां खतरा। वजह से वो किरण हाथ से निकल गई। जाओ ढूंढो उसे अभी। कैसे कैसे ढूंढूंगा उसे गुरुकाल? वो इतनी छोटी है कि कब आउ हो जाती है पता ही नहीं चलता। जब उसे देख ही नहीं पाऊंगा तो पकड़ूंगा कैसे? ये ले। ये कौन सा आउ है? ये हर छोटी चीज बड़ी दिखाती है। जाओ ढूंढो। चांद में भी बड़ी खतरनाक जगह है, अपनी जान बचाकर भागो। हमें मम्मी पापा को बचाना है। हिम्मत रखो और भविष्य दर्पण को लिए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। बॉस, इन सब ड्रैगन्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हम भविष्य दर्पण लेने जाएंगे तो हम इनसे बचेंगे कैसे? हाँ हम चलकर जाएंगे तो हमें झट से पकड़ लेंगे और हम उड़ तो सकते हैं नहीं, करें तो करें क्या? उड़कर? Exactly. Guys, हम उड़कर जाएंगे। क्या? अभी तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हम उड़कर कैसे जाए? हमारे पास उड़ने की शक्ति नहीं है। उड़ने की शक्ति नहीं है तो क्या हुआ? उड़न कटोरा तो है ना हमारे पास। कोई है यहाँ थोड़े ना, उसे तो चांद नगरी के लोगों ने जब्त कर लिया है। दोस्तों पर मुझे लगता है मैं उड़न खटोले को बुला सकता हूँ। निधि जल्दी कर, ये ड्रैगन पास आ रहे। थोड़ा धीरे बोल, ड्रैगन्स बहुत पास आ गए हैं। वो देखो इधर कुछ पत्थर है। तुम लोग उन पत्थर को ड्रैगन्स के ऊपर फेंक के उसका ध्यान बटा, तब तक मैं अपनी पावर यूज करके उड़न कटोले को बुला दूँ, ठीक है? वो देखो उड़न कटोरा आ गया।
चलो अब चलिए उड़न खटोले में बैठ जाए। उड़न खटोला ऊपर उड़ो, उड़न खटोला ऊपर उड़ो। अबे हमें यहाँ से कुछ भी करके निकलना है तो कोशिश कर।